कामनी सिंह, माँ कल्याणिका पब्लिक स्कूल पेंडा रोड छत्तीसगढ़ की हिंदी शिक्षिका। बच्चों इस चित्र को ध्यान से देखिए। इस चित्र में दादी माँ किताब पढ़ रही है। दादी माँ किताब पढ़ रही है। बच्चे गेंद से खेल रहे हैं। बच्चे गेंद से खेल रहे हैं। बिल्ली सो रही है। बच्चों यहाँ पर दादी माँ क्या काम कर रही है? पढ़ने का काम कर रही है। ये दादी माँ पढ़ रही है। तो दादी माँ क्या काम कर रही है? पढ़ने का काम कर रही है। बच्चे गेंद से खेल रहे हैं, तो बच्चे क्या काम कर रहे हैं? खेलने का काम कर रहे हैं। फिर माँ चाय पी रही है, तो माँ क्या चाय पीने का काम कर रही है। फिर बिल्ली सो रही है, तो बिल्ली क्या काम कर रही है? सोने का काम कर रही है। तो बच्चों इसी काम को हम व्याकरण में क्रिया कहते हैं। तो बच्चों आज हम क्रिया पढ़ेंगे। आज क्रिया, और क्रिया की परिभाषा है जिस शब्द से काम के करने या होने का पता चलता है उसे हम क्रिया कहते हैं। क्रिया जिस शब्द से काम के करने या होने का पता चलता है उसे क्रिया कहते हैं। उदाहरण, बच्ची पढ़ रही है। दूसरा है मछली तैर रही है। तो बच्चों यहाँ पर बच्ची क्या काम कर रही है? पढ़ने का काम कर रही है और मछली तैरने का काम कर रही है। इसे ही हम क्रिया कहते हैं। तो बच्चों आगे है क्रिया के भेद। क्रिया के भेद, तो बच्चों क्रिया के दो भेद होते हैं। पहला है सकर्मक
क्रिया। और दूसरा है अकर्मक क्रिया। बच्चों सकर्मक क्रिया किसे कहेंगे? कर्म के साथ क्रिया का होना ही सकर्मक है, अर्थात जिस क्रिया में कर्म भी साथ हो उसे ही हम सकर्मक क्रिया कहते हैं। उदाहरण, बच्चे पुस्तक पढ़ रहे हैं, तो बच्चों यहां पर बच्चे क्या पढ़ रहे हैं? पुस्तक पढ़ रहे हैं, तो इसे हम सकर्मक क्रिया कहेंगे। बच्चों यहां पर जो बच्चे शब्द है वो क्या है? कर्ता, अर्थात जिसके द्वारा काम किया जाता है उसे हम कर्ता कहते हैं। तो यहाँ पर पढ़ने का काम कौन कर रहा है? बच्चे कर रहे हैं, तो बच्चे क्या है? कर्ता है। पुस्तक क्या है? कर्म है। और पढ़ रहे क्या है? क्रिया है। तो बच्चों इस उदाहरण में कर्म के साथ क्रिया, तो इसे हम सकर्मक क्रिया कहेंगे। आगे है अकर्मक क्रिया, अर्थात जिस क्रिया में कर्म शामिल ना हो उसे हम अकर्मक क्रिया कहते हैं, अर्थात बिना कर्म के क्रिया हो तो उसे हम अकर्मक क्रिया कहते हैं। उदाहरण, बच्चे पढ़ रहे हैं, बच्चों यहाँ पर बच्चे पढ़ रहे हैं, बच्चे क्या पढ़ रहे हैं? इस वाक्य से हमें पता नहीं चला है कि बच्चे क्या पढ़ रहे हैं, तो इसे ही हम अकर्मक क्रिया कहेंगे। यहाँ पर कर्म नहीं है, यहाँ पर बच्चे क्या है? कर्ता। और पढ़ रहे क्या है? क्रिया। और यहाँ पर कर्म है, कर्म नहीं है, तो इसे ही हम अकर्मक क्रिया कहेंगे। और यहाँ पर सकर्मक क्रिया का उदाहरण देखे थे, बच्चे पुस्तक पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर बच्चे क्या है? कर्ता, पुस्तक कर और पढ़ रहे हैं क्रिया। तो बच्चों यहाँ पर देखिए बच्चे क्या पढ़ रहे हैं, जब हम प्रश्न पूछे क्या पढ़ रहे हैं तो हमें उत्तर मिल रहा है कि बच्चे पुस्तक पढ़ रहे हैं। यहाँ पर हम प्रश्न पूछ रहे हैं कि बच्चे क्या पढ़ रहे हैं, तो हमें यहाँ पर उत्तर नहीं मिल रहा है कि बच्चे क्या पढ़ रहे हैं, हमें नहीं मालूम है, तो इसे ही हम अकर्मक क्रिया कहेंगे। और जहाँ पर हम प्रश्न पूछते हैं और वहाँ पर हमें उत्तर मिल जाता है उसे ही हम सकर्मक क्रिया कहते हैं। और यहाँ पर उदाहरण एक जैसे है, लेकिन सिर्फ यहाँ पर पुस्तक है और यहाँ पर पुस्तक नहीं है, और यही पुस्तक क्या है? कर्म है, अर्थात जो क्रिया है वो कर्म के साथ है, और यहाँ पर जो क्रिया है, क्रिया क्या है? पढ़ रहे हैं, तो उसके साथ कर्म नहीं है, अनुपस्थित है, तो इसे हम अकर्मक क्रिया कहेंगे। तो बच्चों क्रिया के दो भेद होते हैं, पहला है सकर्मक क्रिया और दूसरा है अकर्मक क्रिया।